वृक्ष के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। वो वृक्ष है अशोक का वृक्ष। कहते हैं कि यह अपने नाम के अनुसार लोगों के जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि जहाँ अशोक का वृक्ष होता है वहाँ पे कभी शोक नहीं होता। इस वृक्ष को प्राय प्रत्येक स्थलों पर सौंदर्य हेतु लगाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक के पत्ते रामफल जैसे वह फल नारंगी रंग के होते हैं, दूसरे के पत्ते आम के पत्ते जैसे होते हैं। परंतु ये दोनों पौधे ही आपके जीवन में काफी सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अरे दोस्तों, आइए जानते हैं अशोक वृक्ष से किन किन समस्याओं का निवारण हो सकता है। धन धान्य हेतु, यह वृक्ष जिस किसी के द्वार पर लगाए जाते हैं उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसी कारणवश हर घर में बंधनवार के तौर पर इसे लगाया जाता है। साधना में सफलता हेतु, इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए लोग ज्यादातर जो भी साधना सिद्ध करनी होती इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। दाम्पत्य कलह निवारणार्थ, गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो जाते हैं। जब पति पत्नी के बीच में मन मुटाव होते हैं तो जीवन एकदम निरर्थक लगता है। आज मैं आपको इसी का एक उपाय बताने जा रही हूँ कि इसको उपाय में लाने से आपके गृहस्थ जीवन में फिर से खुशी आ जाएगी। आप अशोक के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। पत्ते मुरझा जाएं तो पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आप रोज बदल दें। पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा कम से कम 40 दिन तक लगातार करने से पति पत्नी के आपसी रिश्ते मधुर हो जाते हैं और आप गृहस्थ जीवन भी एक सफल गृहस्थी के तौर पर चलने लगता है। शोकनाशक, अशोक का पेड़ शोकनाशक होता है। इसे घर में लगाने से या फिर इसकी जड़ धारण करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दरिद्रता नाशक, इसके फूल को पीस कर शहद के साथ खाने से घर में दरिद्रता नहीं आती। साथ में देवी पूजा करें तथा लक्ष्मी स्त्रोत्र या मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। रोगनाशक, इसकी छाल को उबालकर पीने से स्त्री के गुप्त रोग नष्ट हो जाते हैं और स्त्री को स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। चिंता नाशक, अशोक के 3 पत्ते लेकर प्रातकाल ही निराहार मुंह चबाने से मानसिक चिंता का समन होता है। देवी साधक, अगर आप देवी जी के उपासक हैं तो प्रतिदिन अशोक के पेड़ को जल से सींचे तथा देवी जी के कम से कम 11 मंत्र इस पेड़ के सम्मुख नित्य जाप करें। ऐसा करने से माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में दिन दुगुनी और रात चौगुनी आप उन्नति करें, अशोक पेड़ के 11 बीजों को एक ताबीज में भरकर गले में धारण करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये काफी उचित जानकारी है तो आप अपनों से अवश्य शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने सुझाव और कोई भी आपकी समस्या है वो मुझसे साझा करें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी उन्हीं समस्याओं को लेकर आऊं, ताकि आप भी अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएं।